नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। बिहार में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। हाथरस में पुलिस लाइन पहुंचा न्यायिक आयोग, पुलिस सौंपेगी हादसे की जांच रिपोर्ट। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में कोर्ट ने 15 जुलाई तक बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। सांसद रविंद्र वायकर को बड़ी राहत, जोगेश्वरी जमीन मामले में मुंबई पुलिस ने दायर की क्लोजर रिपोर्ट। आरजेडी और कांग्रेस सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं, लालू पर पलटवार कर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। ईरान के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते उदारवादी नेता मसूद पेजेशकियान। बीएसपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष की बेरहमी से हत्या, रविवार को चेन्नई जाएंगी मायावती। सांसदों के आवास से संबंधित लोकसभा की समिति का गठन, बीजेपी सांसद महेश शर्मा होंगे अध्यक्ष। दिल्ली एनसीआर में फिर सताने लगा टमाटर, कीमतें 100 रुपए किलो, आलू प्याज के भी चढ़े भाव। अमेरिका में जो बाइडेन की उम्मीदवारी पर संकट, कमला हैरिस बन सकती हैं राष्ट्रपति पद की दावेदार। फिलहाल के लिए इन टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।